उत्तर प्रदेश स्पेशल में जानेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। इसके बाद बता दें कि 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। फिर 1961 से 62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गईं। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। बता दें कि जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्यों में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही पंचायतों के संगठन, संरचना, SC/ST OBC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। इसके बाद बता दें कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर जिला पंचायत आता है, इसके बाद मध्य में क्षेत्र पंचायत आता है और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आता है। जिला पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिनकी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपनी सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जो इस प्रकार हैं। 6 समितियां हैं, इसमें से प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति हैं। इसके बाद क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के बारे में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यहाँ भी
वही 6 समितियां बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है और यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियाँ बनाई जाती हैं, जो कि जिला पंचायत में 6 समितियाँ बनाई गई थीं। तो वही 6 समितियाँ यहाँ पर ग्राम पंचायत में भी बनाई जाती हैं।